नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू। माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यूजीसी एनटी नेट जून 2020 टेस्ट सीरीज 1। इफ यू डिड नॉट वॉच दैट वीडियो, यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड टुडे वी विल डिस्कस UGC NTA NET June 2020 Test Series 2. So let's start. Question number 1. Which novel of Thomas Hardy begins with the sombre description of Ogden Heath? Iska answer hai The Return of the Native. Dosto, ye jo novel hai Thomas Hardy ka The Return of the Native, ye originally published karaya gaya tha 1878 mein. और ये जो लिखा है सॉम्ब्रे डिस्क्रिप्शन, इसका सॉम्ब्रे का मतलब होता है एक फीका डिस्क्रिप्शन, यानी जिसका जिसमें बिल्कुल जान ही ना हो, ऐसा समझिए आप। बिल्कुल फीका डिस्क्रिप्शन दिया है किसका, एग्डन हीथ का। ये दोस्तों एग्डन हीथ का मतलब है एक काल्पनिक जगह है इसमें, तो थॉमस हार्डी ने इसका एक फीका डिस्क्रिप्शन दिया है किसका, एग्डन हीथ का, मतलब ये जो एक काल्पनिक जगह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिटरिकल फॉर्म ऑफ गावर्स कॉन्फेसियो एमेंटिस इज, इसका आंसर है ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट। दोस्तों इनका ये पूरा नाम है जो ये लिखा है गावर्स, इनका पूरा नाम है जॉन गावर। ये इनकी एक पोएम का नाम है कॉन्फेसियो एमेंटिस, इसको ओरिजिनली पब्लिश कराया गया था 1389 में। दोस्तों एक्चुअली मैं सारे ऑप्शन नहीं लिखूंगा, टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगा। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ एलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, इसका आंसर है इट टर्न्स इनटू अ स्टार। ये जो दोस्तों पोएम है द रेप ऑफ द लॉक बाय एलेक्जेंडर पोप, ये एक मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है। इसको पहली बार टू कैंटोज में 1712 में पब्लिश कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ, इसका आंसर है अजाइन डेंटन। ये दोस्तों क्या होता है, अजाइन डेंटन इज अ राइटिंग स्टाइल वेयर कंजंक्शंस आर ओमिटेड, एग्जाम्पल आई कम, आई सॉ, ओके। मतलब कहने का ये एक लिखने का तरीका होता है जिसमें कंजंक्शंस हम लोग नहीं लगाते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए एक भी कंजंक्शन इनके बीच में नहीं लगा है, तो ये हमारा क्या होगा, असाइन डेंटन। और दोस्तों जबकि ये लिखा हुआ है एनाकोलिथन, इसका क्या मतलब होता है, अ सेंटेंस इन विच द एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल सिक्वेंस इज एब्सेंट, एग्जाम्पल वाइल इन द गार्डन द डोर बैंगड शट। आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एनाकोलिथन में क्या होता है, ग्रामर का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल इन द गार्डन द डोर बैंगड शट, तो उल्टा कर दिया उन्होंने, ओके। तो जिसमें मान लीजिए ग्रामर का सीक्वेंस एब्सेंट हो, वो हमारा क्या होगा, एनाकोलिथन। और दोस्तों ये लिखा है अपोजियो पैसेज, इसका क्या मतलब होता है, द डिवाइस ऑफ सडनली ब्रेकिंग ऑफ इन स्पीच, मतलब इसका यह है जैसे बोलते बोलते हम लोग रुक जाना, रुक रुक कर बोलना। और दोस्तों ये क्या होता है एंटोनोमेजिया, इसका क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एपिथेट फॉर अ प्रॉपर नेम, फॉर एग्जाम्पल जैसे द मेड ऑफ ऑर्लियंस फॉर जॉन ऑफ आर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय मार्गरेट एटवुड डेपिक्ट्स द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द नोटोरियस मर्डर्स कमिटेड इन 1843, माई डियर फ्रेंड्स इसका आंसर है एलिस ग्रेस। दोस्तों ये जो नॉवेल है एलिस ग्रेस, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शनल नॉवेल है जिसको लिखा था कैनेडियन राइटर, ये कैनेडियन राइटर है मार्गरेट एटवुड। इस नॉवेल को दोस्तों पहली बार 1996 में पब्लिश कराया गया था, एंड इट फिक्शनलाइजेस द नोटोरियस मर्डर्स ऑफ थॉमस किनियर एंड हिज हाउसकीपर नैन्सी मॉन्टगोमेरी इन अपर कैनेडा। इसमें दोस्तों मर्डर दिखाया गया है किस किस का, थॉमस किनियर का और उसके हाउसकीपर
Nancy Montgomery का. Now let's move the next question. Which of the following poems by W.B. Yeats repudiates the sensual world in favor of the artifice of eternity? इसका आंसर है Sailing to Byzantium. दोस्तों इस पोएम को पहली बार पब्लिश कराया गया था 1928 में एंड दिस पोएम comprises of four stanzas in Ottawa Rima. Next question. Which of the following characters in Moby Dick falls overboard and turns insane as a result? इसका आंसर है Pip. दोस्तों ये जो नॉवेल है Moby Dick, इसका एक और नाम है द वेल, और इस नॉवेल को लिखा था हरमन मिलवेल ने. ये दोस्तों एक अमेरिकन राइटर हैं और इस नॉवेल को ओरिजिनली पब्लिश कराया गया था 1851 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज पुट टू डेथ? इसका आंसर है पिगी. दोस्तों ये जो नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये एक्चुअली एक नॉवेल प्राइज विनर ब्रिटिश ऑथर हैं, ये विलियम गोल्डिंग, इनका नॉवेल है. इसको ओरिजिनली पब्लिश कराया गया था 1954 में. इसमें टोटल आई थिंक 224 पेजेस हैं. एंड दिस नॉवेल इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज स्ट्रैंडेड ऑन एन अन इनहैबिटेड आइलैंड. आई मीन टू से माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक ऐसा ब्रिटिश बॉयज का ग्रुप होता है जो एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कोई जीव नहीं है, कोई रहता नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये समझिए आप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स? इसका आंसर है द समनर. दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो समनर होता है इसने प्याज खा ली थी और बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और इसने अपने गले में एक फूलों की माला भी पहन रखी थी, इसलिए इसका फेस ऐसा दिख रहा था. ये जो जेफ्री चौसर का वर्क है कैंटरबरी टेल्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन्स टू ओवर 17,000 लाइन्स. इसको मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था जेफ्री चौसर के द्वारा और इसकी दोस्तों सेटिंग रखी गई है किंगडम ऑफ इंग्लैंड में. इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वह है टेल्स ऑफ कैंटरबरी. दोस्तों ये कैंटरबरी क्या है, इंग्लैंड में एक शहर है, इसका नाम है कैंटरबरी. दोस्तों कैंटरबरी टेल्स पर मैं पहले ही सेपरेटली दो वीडियो बना चुका हूँ. एक वीडियो में मैंने जेफ्री चौसर के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो में मैंने ये शॉर्ट में बताया है कि किस पिलग्रिम ने कौन सी कहानी सुनाई है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और मैं हो सकता है कोशिश करूँगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें प्लीज़. तो चलिए इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ. मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्चुअली मैं सारे ऑप्शन नहीं दूंगा, एक्चुअली टाइपिंग करने बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए सिर्फ मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा. तो क्वेश्चन था हमारा द पेस ऑफ स्पीच कॉल्ड, इसका आंसर है टेम्पो. चलिए कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इसके ऑप्शंस बता देता हूँ. वैसे इसके ऑप्शंस मेरे पास हैं सिलेबल, लाउडनेस, पिच एंड टेम्पो. तो इसका जो आंसर होगा वो टेम्पो होगा, क्योंकि दोस्तों पेस का क्या मतलब होता है, पेस का मतलब भी गति होता है और टेम्पो का मतलब भी गति होता है. देखिए मैं इसके बारे में आपको एक और जानकारी दे दूँ, मतलब आप एक मिनट में कितना बोलते हैं, आपकी रेट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब कहने का ये वर्ड्स पर मिनट. तो इसको हम शॉर्ट में भी लिखा हुआ कभी कभी आ जाता है WPM, इसका मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में आप कितने वर्ड्स बोलते हैं. तो रेट ऑफ स्पीच हमारे, इसको भी हम कह देते हैं जैसे पेस, टेम्पो और रिदम, इनको हम रेट ऑफ स्पीच कह सकते हैं. तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा द पेस ऑफ द स्पीच इज कॉल्ड टेम्पो, क्योंकि सिलेबल का मतलब होता है साउंड ऑफ वोवेल, पिच का मतलब होता है सिर्फ आवाज़, और लाउडनेस का मतलब होता है जोर से, यानी जैसे बहुत तेज चीखना. तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा टेम्पो. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर नेट की तैयारी कर रहे हैं UGC NTA नेट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.